Three persons have been detained in Surat in the murder case of Hindu fringe group leader Kamlesh Tiwari. The search for the accused was widened after the CCTV outside the leader's home captured footage of the assailants. Police suspect the box of sweets that the suspects are carrying was used to conceal weapons, and they tracked the box down to a confectioner in Surat. Meanwhile, the UP police is searching for two others also accused. An initial probe suggests that men were upset with Tiwari's 2015 controversial statement attacking Prophet Muhammad. मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं. वो 24 वर्ष का आदमी है. ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में. एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है. वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहाँ सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है. उसकी उम्र 21 वर्ष है. और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान है. 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है. इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है. 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कहा था जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की ज़रूरत है.